YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आपका स्वागत। अब हम करते हैं पब्लिक है सब जानती है इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम सर्वे के जरिए आपको बताते हैं कि पब्लिक जो है कितना जानती है। लेकिन इस सर्वे की अगर बात की जाए तो इस सर्वे में हर दिन कोई ना कोई एक नया मुद्दा लेकर हम आपके सामने पेश होते हैं। बात अगर आज की जाए तो जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान में लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जो घटनाक्रम 14 फरवरी के बाद लगातार सामने आ रहा है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। और बात अगर तमाम कमोबेश की जाए तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जनता कितना जानती है, लेकिन पब्लिक सब जानती है। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से पहले 14 फरवरी को आतंकी हमला किया गया था और उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक जब की गई थी तो उससे कश्मीर के अलावा वादियों पे जहां कार्रवाई की गई, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखला गया था। उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार से मोदी अपना सख्त रुख अपना रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, उसको लेकर पब्लिक का जो रिस्पांस है वो मिला जुला रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी कश्मीर का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा ही सबसे अहम मुद्दा है जो इन सब की जड़ माना जा रहा है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और भारत जहां कश्मीर को लेकर एक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, वहां पर लगातार जो ये आतंकी हमले हो रहे हैं, इनसे कई सवाल खड़े होते हैं और कई जवाब है जो सिर्फ और सिर्फ जनता के पास है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। और जिस प्रकार से जो घटनाक्रम काफी समय से लगातार बना हुआ है और मोदी जो अपने एक पहचान के तौर पर उभरे हैं, ये इन समय है जहां पर उन्हें कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना होगा और इस निर्णय से ही ये आगे के लिए कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा कि मोदी आगे सत्ता में बने रहने वाले हैं या फिर इन मौके पर कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे कि सब कुछ चौपट हो जाएगा। जी हाँ, और सबसे अहम जो इसमें रह जाता है वो कश्मीर रह जाता है। जब से बात अगर भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जाए तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद से लेकर अब तक तमाम ऐसे हमले हुए, पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतें की गई जिनका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है। लेकिन उसको लेकर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या कश्मीर को लेकर जो अभी तक विवाद चला हुआ है वो इन सब के बाद खत्म हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा सवाल ये कि क्या मोदी कश्मीर का हल निकाल पाएंगे, जिसका हल काफी समय से निकालने की कोशिश हिंदुस्तान के तमाम नेताओं ने की है। लेकिन बात अगर पब्लिक की जाए, पब्लिक भी इस पर अपनी अपनी राय दे रही है, पब्लिक को भी कुछ लग रहा है। और ये वही सर्वे है जिसमें हम ये आपको बताते हैं कि आखिरकार पब्लिक का इन सब चीजों पर क्या कहना है। जिस प्रकार से 14 फरवरी को जब पूरा देश वैलेंटाइन बना रहा था, पूरा विश्व वैलेंटाइन बना रहा था, उस समय पुलवामा आतंकी हमला हो जाता है और पुलवामा आतंकी हमला कई सवाल खड़े करता है। सुरक्षा को अगर साइड में रखकर यह सोचा जाए कि किस प्रकार से यह हमला हुआ था, ये बू जरूर आती है कि अलगाववादियों के द्वारा जो है पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी है उनके साथ हाथ जरूर मिलाए गए होंगे। लेकिन क्या कश्मीर का जो हल है वो मोदी निकाल सकते हैं, इस पर पब्लिक क्या कह रही है वो देखते हैं। बिल्कुल सारी एक्सपेक्टता है जी मोदी के अंदर है, जो करेगा कड़क करेगा, सब काम बढ़िया करेगा और जोर शोर से करेगा और छोटी मोटी नहीं, ज्यादा से ज्यादा करेगा। ऐसा है, ये अगर ये कहने जाए ना तो वर्ल्ड नहीं हमारे पास कहने के लिए। ये समस्याएं अगर आने वाले मोदी जी को 5 साल और मिल जाती है इस बहुमत से, तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। जो आज जवाहरलाल नेहरू टाइप की जो गलती है ना, वो जो पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का होगा जो कितने स्टेप कदम से इतनी कम कैजुअलिटी में जो कि इस पोजिशन को सुधार रहने वाला जो पहला प्राइम मिनिस्टर हमारा ही होगा। बिल्कुल कर सकते हैं, मोदी सरकार में वो हिम्मत है जो आज तक 50 साल से जो सरकार चलते आ रही वो सिर्फ अपने घराने को बनाने में लगी हुई थी और इस सरकार ने उखाड़ फेंक दिया उग्रवाद को उनके घर में जाकर के। और ये अगर धारा 370 और 35 से और अगर हट जाए, चाहता पूरा बहुमत है तो आतंकवाद जड़ से खात्मा हो जाएगा, आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा।
तो अभी आने वाले समय में ज्यादातर जो तमाम दिग्गज नेता है वो जनता के बीच दिखाई दिए जाने वाले हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और दिखाई इसलिए देंगे क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में जो सबसे सर्वोपरि जो अभी नेताओं के लिए है वो जनता है, क्योंकि जनता जो सिर्फ एक दिन का राजा होती है वो होती है अपने मत को लेकर, क्योंकि एक मत का उपयोग ही जनता करती है जो कि एक निर्णायक स्थिति पैदा करता है उन नेताओं के लिए जो कि अपनी किस्मत आजमाते हैं। लेकिन बात अगर अभी के हालातों की जाए तो अभी देश के पीएम, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्णायक स्थिति पर बैठे हैं जहां से उन्हें निर्णय लेना है, अपने सत्ता वापसी को लेकर। उनका फैसला ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें सत्ता वापसी भी दिलवा दे, जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव होने हैं और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कहीं ना कहीं अगर पीएम मोदी के द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है कि वो निर्णय जो है पावरफुल साबित हो, पाकिस्तान से जो बदला लेने की मांग देशवासियों के दिल से निकल रही है उस मांग पर खरा उतरे, तो इसको लेकर जो रास्ता है पीएम मोदी के लिए वापस एक सत्ता वापसी का आसान हो जाता है। लेकिन अगर ठीक इसी समय में कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जिस निर्णय से पीएम मोदी एक वो नेता भी कहला सकते हैं जिन्होंने एन वक्त पर चूक कर दी थी, तो ये दो अलग अलग मायने हैं। और इन मायनों में अगर देखा जाए, अगर पीएम मोदी वापस आते हैं, क्योंकि इस समय काफी समय से यह आवाज चली है कि कश्मीर को जल्द से जल्द हल कर दिया जाए, उत्तराखंड में भी जो साधु संत है वो धरने पर बैठ चुके हैं कि 370 हटा दी जाए। कुल मिलाकर स्थिति यह बनी है कि कश्मीर का जो विवाद है वो हल किया जाए, और अगर पीएम मोदी सत्ता में वापसी करते हैं तो क्या कश्मीर का जो मसला है जो कि काफी सालों से 70 सालों से लगभग चला आ रहा है, क्या वो हल हो जाएगा? यह बड़ा सवाल है। पब्लिक भी इस पर कुछ कह रही है, वो सुन लेते हैं। जिस तरह मोदी सरकार कश्मीर में विरोधी संगठनों पर कार्रवाई कर रही है, हमें लगता है कि जिस तरह मोदी सरकार पाकिस्तान पर कार्रवाई की है उसी प्रकार इन पर भी कार्रवाई होगी। मोदी में वो क्षमता है। जम्मू कश्मीर में जब मोदी कर रहे हैं, गैर संगठन जो भी हैं जिन पर लगाम लगाई गई है, मोदी में वो ताकत है, वो क्षमता है, उस पर पूरी लगाम लगाएगा और इनको सबक सिखाएगा। जो अभी आलिया पाकिस्तान में सबक सिखाया है इसी तरह इनका भी इलाज बन जाएगा। ये कहना चाहूँगा कि आज अगर हम ये पूछें कि क्या हम सक्षम हैं किसी समस्या को समाधान करने के लिए, चाहे कोई कश्मीर की समस्या हो या कोई और पाकिस्तान की ऐसी कोई भी समस्या हो, तो मैं एकदम से ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल हम एकदम से इसमें परफेक्ट हैं। मगर हमें हमारी जो इच्छा शक्ति, हमारी जो लाभ नुकसान जो हम देखते हैं राजनीतिक, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो इसमें कोई दोराय नहीं है कि हम किसी भी समस्या में समाधान ना कर पाएँ। हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, मगर हमारे जो नेता लोग हैं शायद उनको इस थोड़ी आंकलन करना ज्यादा उसमें बेहतर लगता है कि मेरे को यहाँ ये लॉस ना हो जाए, अगर ये लॉस ना हो जाए। अगर भारत का इतिहास को एक बार देखा जाए, भारत के इतिहास को एक बार पढ़ा जाए, तो इसमें कई राजाओं का व्याख्यान मिलता है। अगर बात राजाओं की जाए तो तीन तरह के राजा जो हैं वो सामने आते हैं, जिनमें एक राजा वो होते हैं जो अपनी प्रजा को जंग में झोंक देते हैं, या तो वो विजय प्राप्त करते हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक छवि के साथ उभारते हैं, या फिर एक राजा ऐसा होता है जो जंग में हार जाते हैं, अपनी प्रजा को झोंक देते हैं, जो कि उनके लिए सबसे बड़ी गलती बनकर रह जाती है। लेकिन बात अगर दूसरे तरह के राजा की जाए तो दूसरे तरह के राजा वो भी होते हैं जो उस जंग को लेकर कोई कदम भी नहीं उठाते हैं, लेकिन जिसमें वो होते हैं उसे काफी ज्यादा, जिन सीमाओं में वो रहते हैं उन्हें संतुष्ट अपने लिए और प्रजा के लिए समझते हैं। अब ठीक ऐसी ही स्थिति भारत के लिए भी बनी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से बीते कुछ सालों से और बीते कुछ समय से जो समीकरण बदलते जा रहे हैं, जिस प्रकार से अमेरिका और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, उनके रिश्तों को लेकर बात की जाए, तो अमेरिका का रुख अब भारत की तरफ और भी ज्यादा होने लगा है। यूएनएससी में जो अमेरिका की ओर से रिपोर्ट पेश की गई है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि इस बार अमेरिका का जो साथ है वो भारत को भी मिल रहा है। हालांकि पहले भी ये जो साथ है वो भारत को अमेरिका की ओर से मिलता रहा है, लेकिन जो ये रिश्ता अब और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, ये इस ओर भी इशारा कर रहा है कि क्या कश्मीर का जो हल है वो जल्द ही होने वाला है। जिस प्रकार से समीकरण एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से निकल रहे हैं कि जल्द से जल्द ही कश्मीर का हल भी हो सकता है।
और उसके लिए जो सबसे अहम किरदार इस समय दुनिया की नजरों में है या देश की नजरों में है वो पीएम मोदी के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी पर सबकी नजरें टिकी है, उनके एक एक फैसले पर, उनके एक एक कदम पर पूरी दुनिया की, पूरे देश की नजरें टिकी है। देखना यह होगा कि पीएम मोदी के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं वो देश को किस दिशा की ओर आगे ले जाते हैं, और क्या पीएम मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर पीएम मोदी के हाथ में दोबारा सत्ता आती है तो कश्मीर का जो हल है वो कितने समय में निकल पाता है, या पीएम मोदी देश को किस दिशा की ओर ले जाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और इसे पब्लिक किस तरह देखती है वो जानते हैं। हाल की घटनाओं में काफी दिनों से जो हम ये देख रहे हैं, देश काफी नाजुक दौर से चल रहा है। काफी मेरा जितना एक्सपीरियंस है, जितना हमने राजनीति को, देश को देखा है, उस सब में सबसे सशक्त उभर के दो नेता देश के में आया है मोदी जी हैं। मोदी जी के हाथों में हम देश को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमें आम जनता को यह लग रहा है कि भी मोदी जी है वो विश्व का, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का अगुवाई करने में सक्षम है। डेफिनेटली कर सकती है, मोदी सरकार ही कश्मीर की समस्या का हल कर सकती है। अगर कोई भी सरकार राष्ट्रवादी होती तो हल ढूंढ सकती थी, लेकिन पहले की जो सरकारें थी उनकी नेशनैलिटी में थोड़ा संदेह है, इसीलिए वो जल्दी सुलझा नहीं पाई। लेकिन ये सरकार, हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार कश्मीर का हल ज़रूर ढूंढ निकालेगी। सिर्फ एक मोदी सरकार ही है जो इस समस्या का समाधान कर सकती है, वो ज़ीरो टॉलरेंस के अंतर्गत ये कार्यक्रम कर सकती है, और कोई सरकार नहीं कर सकती इस कार्यक्रम उसको। पब्लिक सब जानती है, और जिस प्रकार से पब्लिक अभी कह रही है कि शायद वो नेता सिर्फ पीएम मोदी ही है जो कि इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों को और कश्मीर का हल निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को अभी उस लायक नहीं देखते हैं कि वो कश्मीर का जो मसला है वो हल कर पाए। पब्लिक सब जानती है, और जिस प्रकार से पब्लिक की बातें अभी तक हम सुन रहे थे, जहां कहीं ना कहीं पीएम मोदी की तारीफ की जा रही थी और पीएम मोदी को उस निर्णायक स्थिति में देखा जा रहा था जो कश्मीर मुद्दे का हल, जो कि काफी सालों से लटका हुआ है कश्मीर मसला, लगभग 70 साल के ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कश्मीर का हल किसी भी नेता ने उस तरीके से नहीं निकाला जैसा कि पूरे देश में मांग है, या फिर बात ऐसी की जाए कि शांति के साथ इस मसले का हल निकाला जाए, अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है। अब ऐसे में जनता जो है पीएम मोदी पर कहीं ना कहीं भरोसा भी जता रही है, लेकिन बात अगर सभी जनता की जाए तो अभी भी कुछ ऐसी जनता है जिनका कुछ और कहना है। क्या कहना है वो भी जानते हैं। नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मोदी कहता था समस्या दिल्ली में बैठी सरकार में है, अब सरकार मोदी की है, फिर भी रोजाना पाँच सात जवान शहीद हो रहे हैं, और सारे मामले का बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है। मुहम्मद से सरकार है, लेकिन फिर भी धारा 370 हटाने में आनाकानी कर रहे हैं। यदि 370 हट जाती तो फिर मोदी वोट किस बात पर मांगता, ये असली मुद्दा है। इन्होंने तो ये भी बोला था कि हमारी सरकार बनी तो 370 धारा को हटाएंगे, और अभी ये बोल रहे हैं आगे हमारी सरकार बनी तो हम इस मसले को हल करेंगे। 4-5 साल हो गए इनकी सरकार को, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये सिर्फ ओनली बयानबाजी करते हैं। ये ऐसा है, मोदी जी ने जब चुनाव 2014 में लोकसभा के चुनाव थे, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि 370 हटाएंगे। मोदी जी क्यों नहीं 370 हटाते? रोज रोज हर 6 महीने में, हर 4 महीने में हमारे जवान मरते, एक ही बार 370 हटाओ, जो झगड़े होने हैं, जो झगड़े लड़ाई होनी है वो हो जाए, हम भी तैयार हैं उसके लिए, मरने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए। एक बार करो तो सही मोदी जी, आप एक बार 370 हटाओ तो सही, जो होगा रोज रोज की, एक बार हरियाणा में कहावत है रोज रोज की सुसरी से एक बार सुसरी कह दो बढ़िया है, रोज रोज के रोने से एक बार रोलो बढ़िया, 370 हटाओ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो जो लोग पीएम मोदी को इस निर्णायक स्थिति में अभी नहीं देखते हैं, उनका सबसे पहला जो सवाल ये है वो है धारा 370 को लेकर। धारा 370 एक विवादित धारा भी इसे कह सकते हैं, या वो धारा जो कि कश्मीर को जो सबसे ज्यादा एक विशेष दर्जा दिलाती है वो कहना।
आपको बता दें कि धारा 370 कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिलाती है, जिसका विरोध जो है काफी समय से हो रहा है, क्योंकि ये विशेष दर्जा अगर सही मायनों में देखा जाए तो कश्मीर को एक अलग थलग राज्य के रूप में भी बना देता है, जिसको लेकर पीएम मोदी या फिर बीजेपी की सरकार कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, उन्होंने ये वादा किया था सत्ता में आते समय कि धारा 370 को हटा दिया जाएगा, जिसके कारण कश्मीर भी बाकी राज्यों के समान, भारत के अन्य राज्यों के समान एक समान राज्य बन जाएगा, जिसका विरोध जो है काफी समय से चला आ रहा है। धारा 370 को लेकर जो है काफी समय से मांग उठती आ रही है, लेकिन बात अगर कश्मीर के स्थानीय लोगों या फिर वो लोग जो कश्मीर में रहते हैं उनकी की जाए, तो उनके लिए धारा 370 कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकार को बचाने का एक धारा बताती है, जिसको लेकर वो ये नहीं चाहते हैं कि धारा 370 को हटाया जाए। अब ऐसे में पीएम मोदी क्या अपना वादा निभाएंगे जो कश्मीर को लेकर हालात बने हैं, वो भी जानना जरूरी हो जाता है। जो मोदी सरकार अलगाववादियों पर कार्रवाई कर रही है वो तो एक अच्छा कदम है और हमें ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ कंट्रोल में होगा, लेकिन जब तक वहाँ पे धारा 370 नहीं हटाई जाएगी और जनरल बख्शी जैसे रिटायर्ड आर्मी अफसर को वहाँ का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, तब तक नहीं लगता कि हालातों पे कुछ ज़्यादा सुधार हो पाएगा। और दूसरी बात रही वहाँ पे, जब तक आर्मी की कार्रवाई पे राजनीति होती रहेगी इस देश में, मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के हालातों पे ज़्यादा आप सुधार कर सकते हैं। आजकल जो वर्तमान स्थिति भारत में युद्ध स्थिति बनी हुई थी वो टाइम निकल चुका है, ये चीज़ को लेकर हमें संतोष भी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इस चीज़ का राजनीतिकरण किया जाए और जो हमारी सेना ने हमारे देश के लिए किया है, एक छोटे फाइटर ने बड़े फाइटर को गिराया है, ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन इन चीज़ों को लेकर अगर जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में कहा जाए कि उसमें आगे क्या होने वाला है और मोदी जी की कितनी क्षमता है, मेरे ख्याल से इस क्षमता की सत्ता के बारे में और सेना के बारे में दोनों स्थिति जो है वो अलग अलग है। तो धारा 370 को लेकर कुछ जनता ऐसी है जो पीएम मोदी को इस निर्णायक स्थिति में अभी नहीं देखती है, लेकिन बात अगर अभी तक के घटनाक्रम की जाए तो अभी तक के घटनाक्रम पे मोदी की कार्रवाई जो है वो कश्मीर का हल निकाल सकती है, वो ऐसा सोचते हैं। तो मोदी कुछ नहीं कर सकते हैं, 8% लोग आज के सर्वे में ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, मोदी कर तो सकते हैं लेकिन ये चुनावी चक्कर भी है, 14% लोग ऐसा सोचते हैं और मोदी कश्मीर का हल निकाल सकते हैं, ये सोचना है सबसे ज्यादा लोगों का, यानी कि 78% लोगों का। पब्लिक सब जानती है, मैं फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद।